भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो अपने आप में अनोखे हैं। इस मंदिर से जुड़ी अपनी एक अलग कहानी है। आपने भी देवी देवताओं के अनेक मंदिर देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसे किसी मंदिर के बारे में सुना है जहां व्हेल मछली के हड्डियों की पूजा होती है? नमस्कार, मैं हूं निशा। आज हम बात करेंगे इसी मंदिर के बारे में। हम आपके लिए इस चैनल में इसी तरह के अजीबोगरीब कहानियां लेकर आते हैं। अगर आप भी इस तरह की कहानियों में रुचि रखते हैं तो तुरंत सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें। आपको शायद इस पर यकीन ना हो, लेकिन गुजरात में वलसाड तहसील के मंगोट डूंगरी गांव में ऐसा ही मंदिर मौजूद है। इस मंदिर को मत्स्य माता जी के नाम से जाना जाता है। 300 साल पुराने इस मंदिर का निर्माण गांव के ही मछुआरे ने करवाया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाने से पहले यहाँ रहने वाले सारे मछुआरे पहले मंदिर में माथा टेकते हैं, तभी वहाँ से जाते हैं। कई लोगों का यह भी मानना है कि जब किसी मछुआरे ने समुद्र में जाने से पहले इस मंदिर के दर्शन नहीं किए तो उसके साथ कोई ना कोई दुर्घटना जरूर हो जाती है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक मान्यता है, जिसके अनुसार 300 साल पहले गांव के ही एक निवासी प्रभु टेंडर को एक सपना आया था कि समुद्र तट पर एक विशाल मछली आई हुई है। उसने सपने में यह भी देखा कि वह मछली एक देवी का रूप धारण कर तट पर पहुंचती है, लेकिन वहां आने पर उनकी मौत हो जाती। बाद में जब गांव वाले और प्रभु टेंडर ने वहां जाकर देखा तो सच में वहां एक बड़ी मछली मरी पड़ी थी। उस मछली के विशाल आकार को देखकर गांव वाले हैरान हो गए। दरअसल वो एक व्हेल मछली थी। प्रभु टेंडर ने जब अपने सपने की पूरी बात लोगों को बताई तो लोगों ने उस व्हेल मछली को देवी का अवतार मान लिया और वहां मत्स्य माता के नाम से एक मंदिर बनवाया गया। गांव के लोग बताते हैं कि प्रभु टेंडर ने उस मंदिर के निर्माण से पहले व्हेल मछली को समुद्र के तट पर ही जमीन के नीचे दबा दिया था। जब मंदिर निर्माण का काम पूरा हो गया तो उसने व्हेल मछली के हड्डियों को वहां से निकाल कर मंदिर में रख दिया। कहते हैं कि प्रभु टेंडर की आस्था का कुछ लोगों ने विरोध किया और उन्होंने मंदिर से संबंधित किसी भी काम में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि उन्हें देवी के मत्स्य रूपी अवतार पर विश्वास नहीं था। कहा जाता है कि उसके बाद सभी गांवों को इसका गंभीर परिणाम भुगतना पड़ा। दरअसल गांव में एक भयंकर बीमारी फैल गई। तब टेंडर के कहे अनुसार लोगों ने मंदिर में जाकर मत्स्य देवी की प्रार्थना की और उनसे माफी मांगी। कहते हैं कि इसके बाद धीरे धीरे वह भयंकर बीमारी अपने आप ठीक हो गई।